let go. La 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 la. Hola. Hola. Ole. Hola. Ole. Hola. Agastinetta, that's the Brazilian drums, which is the samba drums. However, the azúcar. Iba, 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 आधी ब्राज़ीलियन हूँ, आधी इंडियन हूँ, इसलिए इस इसीलिए मैं ये कहने चाहूँगी कि ये गाने मैं स्पेशली बनाई हूँ और एक महीने के बाद अगर ये पॉपुलर हो जाए सुनने वाले और दर्शक के सामने में तो मुझे लग रहा है एक वीडियो बना लूँ जिधर में भारत भी रहेंगे और ब्राज़ील भी रहेंगे तो साथ साथ हमें रोटी भी मिल जाएगा और मकान भी मिल जाएगा और सांबा का एक रिदम भी मिल जाएगी। मुझे तो सबसे पसंद है, सब लोग का पसंद है नेमार, मगर मुझे पसंद है हल्क, क्योंकि ब्राज़ील में एक जगह है उसका नाम है रियो दे जेनेरो में, उसका नाम है सांता तेरेसा। ओके, सांता तेरेसा में आप देखोगे जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता इज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से सल्वाडोर जो ब्राज़ील में है वो भी बहुत कल्चरल कैपिटल है। और आप देखोगे वॉल में सारे फुटबॉलर्स का फोटोग्राफ है, कोई उसको पेंट किया, और एक बस है और बस के अंदर में सारे फुटबॉलर्स हैं। और जानते हो क्या है, नेमार भी है, सब लोग हैं, और वो बस में कोई ड्राइवर नहीं है, वो पिक्चर है, वो कोई पेंटिंग किया है वॉल के ऊपर में। और हल्क वो सारे बस को खींच के आगे लेके जा रहे हैं, इसके मतलब कि हल्क इज माय फेवरेट। जिसके वाई फेवरेट, क्योंकि हल्क के ऊपर सारे टीम डिपेंड करते हैं, जैसे अपने परिवार में हम दादा के ऊपर डिपेंड करते हैं, डैडी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, तो एक हम जब किसी को डिपेंड करते हैं ना तो मन में एक एक शांति आती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा है, हल्क इज माय फेवरेट प्लेयर। ब्राज़ील का जो अभी मैच हुआ था काफी बड़े मार्जिन से जीती थी ब्राज़ील। मैं इस चीज़ के साथ
साथ नहीं दूंगी, बड़ी जीत ब्राजील की नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखा जाए क्रोएशिया नंबर 4 में है, ब्राजील, मेक्सिको, कैमरून, क्रोएशिया। मुझे लगता था कि ब्राजील अगर क्रोएशिया के साथ खेले 4-0 में होना चाहिए था, मगर फर्स्ट गोल्ड अब देखोगे खुद का पैर से वो, जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं खुद का पैर से वो गोल गया। सेकंड जो गोल था वो पेनल्टी था, थर्ड गोल ब्राजील और हमें बहुत बचा दिया क्योंकि वो लास्ट में गोल था 72 या 80-85 मिनट्स में, तो 3-1 वो लोग भी एक गोल दिए। तो मेरे को लग रहा है अगर 4-0 होता तो आश्वास और भी बढ़ते, मगर ब्राजील का टीम बहुत अच्छा है, अपने जो स्कॉलरी, लुइस स्कॉलरी जो कोच है वो भी बहुत अच्छी तरीका से हमारे जो टीम है उनको बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे जो टेक्निकलिटीज हैं। तो आई थिंक दैट सेमीफाइनल तक तो 100% उम्मीद है, मगर उम्मीद से बढ़ के उम्मीद वो फाइनल्स में अगर पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह, थैंक यू एंड ओला ओला हो जाएगा। ओला ओला मने हेलो, ओले मीन्स विक्टरी, ओला ओले ऐसा बोला वायरोलर ये दिल ले गई, ऐसा बोला वायरोलर ओला ओले ते पते वर्दे कुंदा है बोला ब्राजील है दिल में, ओला ओले संभा है दिल में ये दिल ले गई ओला ओला। मीनिंग यही है कि जो फुटबॉल जो बॉल है वो एक धरती माता जो है वो अर्थ उसके साथ कंपेयर किया जा रहे हैं, और इस बॉल के साथ साथ जितने भी कंट्रीज है हमारे खेलने वाले कंट्रीज है और नॉन प्लेइंग नेशंस जो है जितने भी फैंस है हर एक देश की, और सबको इकट्ठे रखते हैं यूनिटी इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमारे देश में हिंसा बहुत बढ़ गए, तो इस हिंसा को पाप और पाप से आगे नहीं बढ़ाने के लिए, पुण्य के लिए हम लोग इस फुटबॉल के माध्यम में यूनिटी इन ह्यूमैनिटी हेलो विक्टरी बोल के, यही है गाने का मतलब। जी क्यों नहीं मचा पाएंगे, अगर भारत अगर कोई भी चीज कबूल कर लेते हैं और हम जब कुछ करते हैं, और स्पेशली जब मैं आधी ब्राजीलियन हूँ आधी इंडियन हूँ, तो इस सिलसिले में क्या होता है कि वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे मुझे बहुत एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया तरीका से भारत में मिली, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रह जाएंगे, और शायद एक दिन शकीरा और पिटबुल और जेनिफर लोपेज और मैं साथ साथ ओला ओले गाएंगे, किसको क्या पता। अच्छा ठीक है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक गाना है सेनोरिटा, तो मैं वो गाऊंगी। क्रिस्तु दंदे स्ता एरे सी के रस्तो मोसी तीन कुंत्रे ला लीगा वोई दंदे स्तां दे एरे सी के रस्तो मो सेनोरिटा ओला। मुझको बाहु में तुम घेरो समझी ना असेनोरिटा, चाहत की दो पल भी हो ना पाई, दुनिया में सगम है क्या सेनोरिटा, ओला ओले ओले ओला ओ बोलो ना। थैंक यू।